ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभिषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अभिषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी जनवरी का महीना क्या कुछ खास अभिषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। सबसे पहले नवीन वर्ष 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं और यह वर्ष आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और कुशलता लेकर जरूर आए, यही हमारी ईश्वर से कामना है। अब वृषभ राशि वाले जातकों को इस राशिफल के दौरान हर पक्ष के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि की ग्रह स्थितियां कैसी रहेगी, करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष धार्मिक उपाय जो जनवरी 2022 को बेहतर बना सकेंगे। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं कि ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो जनवरी 2022 में राशि से अष्टम भाव में रहेंगे सूर्य के साथ, और वक्री भी इसी भाव में होने वाले हैं। मंगल, केतु और चंद्र आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर में रहने वाले हैं। लगन में आपके राहु पूरे महीने तक रहने वाले हैं गोचरी स्थितियों में। गुरु बृहस्पति पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्माण करके राशि के दशम भाव में रहेंगे और शनिदेव आपके राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बुध के साथ गोचर में रहने वाले हैं। तो कि जब मासिक राशिफल बताया जाता है तो उसमें ऐसे ग्रहों को ध्यान में रखकर बताया जाता है जो माह में परिवर्तन करते हैं, यानी जिनका परिवर्तन एक से दो महीने में होता है। तो उसमें सूर्य आते हैं, शुक्र आते हैं, चंद्रमा का भी ध्यान रखा जाता है और मासिक राशिफल में विशेष गुरु और शनि की स्थितियों को भी देखा जाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि जनवरी 2022 आपके जीवन में क्या संभावना दे रहा है। सबसे पहले करियर और व्यावसायिक जीवन। करियर का विचार राशि से दशम भाव से किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि से भाग्य भाव में स्वराशिगत होकर यानी अपनी मकर राशि में ही शुभ स्थितियों में रहेंगे। और आपके राशि के लिए यानी आपके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शनिदेव आपके राशि के लिए कारक, योग कारक ग्रह माने जाते हैं और करियर भाव पर गुरु का प्रभाव भी बना है। पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण करके गुरु बृहस्पति राशि के दशम भाव में रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो जनवरी का महीना रहने वाला है चौतरफा वृद्धि देगा। तेजी से वृषभ राशि वाले जातक तरक्की करते हुए नजर आ सकते हैं, विचारों में एकरूपता देखने के लिए मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा करियर के क्षेत्र में सम्मान प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। आत्मविश्वास और बौद्धिक शक्ति आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहने वाली है। करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि वाले जातक जो व्यापार का संचालन कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में विशेष रूप से बड़ी संभावना जनवरी का पहला महीना यानी साल का पहला महीना आपके लिए दे रहा है। इसमें यदि आप जल्दबाजी के साथ कार्य नहीं करेंगे तो बेहतर संभावना देखने के लिए जरूर मिलेगी। राशि स्वामी अष्टम भाव में पहुंच गए हैं, जिससे आपके मन में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां निर्मित हो रही है, हो सकती है। तो यदि आप बड़ा निवेश व्यापार में करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। विदेश से जुड़े हुए जातकों को, वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष और बड़ी सफलता कारोबार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। विदेशी जातकों के लिए लगातार प्रगति और धन आगमन के योग भी करियर के क्षेत्र में दिखाई देने वाले हैं। वही वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातक
वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। वृषभ राशि वाले ऐसे जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार का विचार मन में लेकर चल रहे थे और सही समय का आप इंतजार कर रहे थे, उसको क्रियान्वित आप करना चाह रहे थे, तो यहां पर आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है, आप सफलता अर्जित करेंगे। उपाय भी आपको बताएंगे क्योंकि आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो क्या ऐसे उपाय आपको करना है। धन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के दूसरे भाव के स्वामी बुधदेव राशि से भाग्य भाव में शनि के साथ शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। वहीं धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी बने हुए हैं। गुरु बृहस्पति राशि से दशम भाव से मौजूद होकर धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो आर्थिक जीवन महीने के पहले रहने वाला है, साल के पहले महीने में रहने वाला है, वो काफी अच्छा रहेगा। खर्च में वृद्धि तो जरूर देखने के लिए मिलेगी, परंतु आमदनी में नियमित आय सुनिश्चित आपकी रहेगी। आय के स्रोतों में विस्तार भी होगा। इस समयावधि में भवन, वाहन और भौतिक सुख की चीजों के लिए वृषभ राशि वाले जातक धन का व्यय काफी ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं। जो आपके लिए जनवरी का प्रथम 15 दिन रहने वाला है, इसमें आपको अधिक लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र की उपस्थिति अष्टम भाव में व्यर्थ के खर्च जरूर बढ़ाएगी, परंतु यहां पर पैतृक संपत्ति के साथ साथ चल अचल संपत्तियों का विशेष रूप से लाभ देखने के लिए मिलेगा। शेयर बाजार से विशेष लाभ दिखाई दे रहा है, व्यापारिक जीवन से विशेष लाभ दिखाई देने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि वृषभ राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो माह के मध्य तक राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा, परंतु परिवार में भवन वाहन का सुख दिखाई दे रहा है। परिवार में नवीन और धार्मिक कार्यों का आयोजन होने वाला है, इसमें भरपूर प्यार और स्नेह का भाव व्यक्तिगत संबंधों में पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में निर्मित होगा। साथ में भाई बहनों के साथ अच्छी संभावना देखने के लिए मिलेगी। पारिवारिक जीवन में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा रही है और इसमें आपको मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यहां पर आपके लिए संभावना उत्तम बनी हुई है। सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। जिम्मेदारी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। एक से अधिक जिम्मेदारियों को लेकर परिवार में आप व्यस्त भी रहते हुए इस महीने काफी ज्यादा नजर आ सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। राशि का पंचम भाव शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो राशि से भाग्य भाव में शनिदेव के साथ मकर राशिगत होकर गोचर में रहने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसमें आपके ध्यान में एकाग्रता, मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विशेष जातकों के लिए सफलता भरी संभावना जनवरी के महीने में निर्मित हो रही है। ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन आपका, चूंकि राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी मंगलदेव स्वयं इसी भाव में ही मौजूद रहेंगे। मंगल और केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि राशि के सप्तम भाव में मंगल, केतु और चंद्र युति बनाकर रहने वाले हैं। हालांकि चंद्र की स्थितियां तो बदल जाएगी, क्योंकि 2.5 दिनों में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। आपके अंदर तो विशेष शांति का भाव उत्पन्न होगा, परंतु जो आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है।
अग्नि तत्व प्रधान ग्रह महीने के मध्य तक सप्तम भाव में मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में भ्रम से बचना चाहिए, समन्वय के साथ चलना चाहिए, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बनाकर चलना चाहिए। आपसी मनमुटाव की स्थितियां माह के मध्य तक निर्मित हो रही है, तो यहां पर ये सावधानी आप जरूर रखने का प्रयास जरूर करें। संतान की उन्नति विशेष रूप से दिखाई दे रही है, यदि आपके संतान है तो प्रगति करते हुए नजर आएंगे। यदि सेहत के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, तो वृषभ राशि वाले जातकों सेहत का जो मामला आपके लिए रहने वाला है जनवरी का, वो काफी मिला जुला रहेगा, प्रतिकूल ही रह सकता है। उसका कारण है कि राशि के छठवें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से अष्टम भाव में वक्री रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती है, यौन जनित समस्याएं परेशान कर सकती है। वहीं आपका जो ध्यान रहेगा वो काफी ज्यादा चंचल रह सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों को, जिन जातकों को मोटापे की समस्या है, उनको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है, डाइजेशन आपका खराब रह सकता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष रूप से जनवरी के महीने में सेहत के मामले में कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले सोने और जागने की आदत पर विशेष ध्यान रखें, मानसिक तनाव को अपने मन में लेकर बिल्कुल भी आप ना चले। प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बेहतर और श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी दूरी बनाकर चलना चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको दूरी बनाना चाहिए, मसालेदार भोज्य पदार्थों से दूरी बनाकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब वृषभ राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं आंख की भी समस्या दिखाई दे रही है, और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है उनको परेशान कर सकती है। तो यहां पर आपको मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे टमाटर, खीरा, बंद गोभी, हरी सब्जियों का सेवन आप ज्यादा करें। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि हड्डी से जुड़ी आपको समस्या लगातार बनी हुई है, तो कैल्शियम वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से शक्कर, चीनी और वसा युक्त चीजों से आपको दूरी जरूर बनाना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2022 को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। उससे पूर्व वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का जनवरी में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको समय प्रबंधन पर ध्यान रखकर इस महीने चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जिस समय में आपने जो भी कार्य निर्धारित किए हुए हैं उसको आप पूरा जरूर करें। कार्यों में निरंतरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा काम क्या करना है वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने, कि जब भी कार्य में, किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न हो, उसमें आपको मनोबल के साथ कार्य करना है, उत्साह के साथ कार्य करना है और प्रसन्न चित्त होकर कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को विशेष रूप से पहचाने। जीवन में यदि आपको असफलता अर्जित हो चुकी है, उससे आपको जीवन में सीख लेनी चाहिए, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। अपनी असफलता से जीवन में निराश न हो, उससे आपको सीख लेने का प्रयास जरूर करना है। भविष्य के बारे में हमेशा सोचते रहें और जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उसमें संलग्न होकर कार्यरत रहने की आवश्यकता रहेगी। चौथा, वृषभ राशि वाले जातकों को नशीली चीजों से विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना चाहिए, दूरी बनाकर चलना चाहिए। नशे की चीजों को आप बिल्कुल भी बुरी आदत कहें और इसको अपनाने से बिल्कुल दूर रहें, तो बेहतर संभावना निर्मित होगी। अब धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए, तो जनवरी 2022 में शुक्र की स्थितियां काफी ज्यादा खराब है, जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं।
राशि से अष्टम भाव में चले गए हैं। सूर्य के साथ युति बनाए हैं, यानी शत्रु के साथ युति बनी हुई है। तो सबसे पहले शुक्रवार के दिन या प्रत्येक दिन गाय की सेवा आप जरूर करें। भोजन से पहले गौ ग्रास जरूर निकालें। दूसरा काम क्या करना है, शुक्र के लिए उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से महिलाओं को या कन्याओं को सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं, या तो सफेद खाद्य पदार्थ जैसे दूध दही खीर को खिलाएं, तो यहां पर बेहतर संभावना आपके जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। साथ में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आपको जरूर करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप आपको जरूर करना है। महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमि भवंदनात् मृक्तोत्मोक्षे मामृतात्। वृषभ राशि वाले जातकों, माता पिता का विशेष रूप से सम्मान करें। जब भी आपके पास खाली समय बचे तो आध्यात्मिक पुस्तकों को अध्ययन करने में अपने समय को जरूर दें। इससे आपके मन में एकाग्रता और मन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।